नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। सबसे पहले आप सभी को रंगों के त्योहार होली की ढेरों शुभकामनाएं। आपने रंगों से होली तो खेल ही ली होगी, कुछ ऐसे मुंह भी मीठा क्या होगा। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि युगों युगों से सनातन धरती पर मनाए जाने वाला ये रंगों का त्योहार पुराणों में केवल प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका से ही जुड़ा है, या फिर होली के इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। जानते हैं, होली में रंगों की धूम है। अबीर गुलाल से आसमान लाल हो रहा है, ब्रज में कान्हा होली खेल रहे हैं, बरसाने में राधा की टोली होली खेल रही है। काशी में शंकर मचा रहे हैं फागुन में धूम। फागुन में होली के रंगों में रची बसी दुनिया खुशी ऊर्जा उत्साह के भावों में एक हो गई है। होली के इन रंगों में आस्था का गुलाल है, भक्ति की अबीर है और ईश्वर के प्रति त्याग और समर्पण के रंग हैं। इंसानों ने रंगों का इस्तेमाल कब शुरू किया ये कहना मुश्किल है, लेकिन चंदन, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, रोली का इस्तेमाल सनातन धर्म में सदियों से होता आ रहा है। होली का ये त्योहार पौराणिकता में भगवान शंकर से भी जुड़ता है और भगवान विष्णु से भी। होली रंगों का त्योहार है जिसे देवता खेलते हैं स्वर्ग में, भगवान शिव खेलते हैं काशी और कैलाश पर्वत पर, और भगवान श्री कृष्ण और राधा खेलते हैं ब्रज में। लेकिन इस पूरे होली की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इस होली को खेला गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस होली में किसने सबसे पहले रंगों की बौछार की, इसका विवरण मिलता है पौराणिक कथाओं में। हरिहर पुराण की कथा मानती है कि संसार की पहली होली देवाधिदेव महादेव ने खेली थी, जिसमें प्रेम के देव कामदेव भी थे और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा कहती है कि जब भगवान शंकर कैलाश पर अपनी समाधि में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव की समाधि भंग हुई, तो भगवान शंकर ने अपनी क्रोध की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। रति ने प्रायश्चित में विलाप किया तो भगवान शंकर ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। इस खुशी में रति और कामदेव ने ब्रजमंडल में ब्रह्म भोज का आयोजन भी किया, जिसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सेदारी जताई। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था और इसी दिन रति ने चंदन का टीका लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। हरिहर पुराण में कहा गया कि फाल्गुन के इसी महीने में कुछ ऐसी खुमारी थी कि इसी ब्रह्म भोज में आनंद के मारे भगवान शंकर ने डमरू बजाया, तो भगवान विष्णु ने बांसुरी, माता पार्वती ने वीणा पर स्वर लहरियां छेड़ी, तो माता सरस्वती ने बसंत के रागों में गीत गाए। ऐसा कहते हैं कि तभी से धरती पर हर साल फागुन पूर्णिमा में गीत संगीत और रंगों के साथ होली का आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। ब्रजमंडल की होली के बाद
श्री कृष्ण और राधा के प्रेम ने इसमें कई रंग जोड़े, तभी तो आज इतने सालों बाद भी इनके प्रेम के रंग और होली के रंग इतने गहरे, चटक और लाल हैं। और आज हम सब इसी तरह इन रंगों में भीगे हुए हैं। हरिहर की पुराणिक कथा में इस बात का विवरण भी है कि इसी तरह से होली के रंगों में भीगने के लिए श्री कृष्ण कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। हरिहर पुराण में कथा मिलती है कि एक बार अपनी समस्या को लेकर भगवान कृष्ण भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर पहुंचे। भगवान कृष्ण की समस्या कम जटिल नहीं थी, क्योंकि भगवान कृष्ण हर बार होली में रंगों की रास लीला में राधा से हार जाते थे। दो बार की हार के बाद कान्हा अब तीसरी बार नहीं हारना चाहते थे, इसीलिए कान्हा ने अपने गुरु भगवान शंकर से जीत का मंत्र जानना चाहा। भगवान शंकर ने तत्काल कैलाश पर अपने गणों को भांग घोटने का आदेश दिया। जब तक भांग घुट रही थी, भगवान शंकर ने कृष्ण से बांसुरी वादन का निवेदन किया। कृष्ण के बांसुरी की धुन पर भगवान शिव कैलाश पर मस्त होकर नाचने लगे। कैलाश पर उड़ने लगे अबीर और गुलाल। नाचते नाचते भगवान शिव ने कृष्ण को भांग यानी विजया देते हुए बताया कि ब्रज में कैसे नृत्य संगीत और रंगों के वातावरण में प्रेम और रंगों के त्योहार होली पर घुलेगा जीत का मंत्र। जीत का मंत्र पाकर भगवान कृष्ण ने भी कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती के साथ जमकर होली खेली। विजय का आशीर्वाद लेकर भगवान कृष्ण ब्रजमंडल वापस आ गए। हरि और हर यानी भगवान शंकर और भगवान कृष्ण की ये होली इतनी दिव्य थी, इसके आगे स्वर्ग की सुंदरता भी फीकी पड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव शंकर और मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर होली तो खेली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मां राधा के साथ ब्रज में पहली बार होली क्यों खेली, इसके पीछे की कथा बड़ी ही रोचक है, क्योंकि इसकी कथा जुड़ी हुई है श्री कृष्ण के मामा कंस और उनकी दासी पूतना से। द्वापर युग में भगवान कृष्ण को बालपन में ही समाप्त करने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था। गोकुल में पूतना ने अपने विषैले दूध के जरिए कान्हा को मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूतना का ही संहार कर दिया। पूतना के विषैले दूध की वजह से भगवान कृष्ण का पूरा शरीर नीला हो गया था। कालांतर में जब भगवान किशोर हुए तो उनको लगा कि उनके शरीर का नीला रंग गोकुल की गोपियों के साथ साथ राधा को भी पसंद नहीं आएगा। इसी शंका से भगवान कृष्ण ने गोकुल में मां यशोदा को अपनी व्यथा बताई। तब मां यशोदा ने कान्हा से कहा कि वो जिस भी रंग में राधा और गोपियों को देखना चाहते हैं उसी रंग में रंग लें। कहते हैं कि तभी से कान्हा ने ब्रज में राधा रानी और गोपियों के साथ रंगों की होली खेलने की परंपरा डाली। आज मंदिर द्वारिकाधीश का हो या फिर मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का, मथुरा की गलियों से लेकर वृंदावन बरसाना तक हर जगह बसंत पंचमी से ही कान्हा संग भक्त रंगों की होली खेलते हैं और अपनी आस्था के साथ साथ अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। होली के रंगों में सराबोर पौराणिक कथाएं भगवान शिव और केवल श्री कृष्ण की ही नहीं मिलती, बल्कि पौराणिक कथाओं में भगवान ब्रह्मा भी मिलते हैं, जिनका जिक्र हरिहर पुराण में किया गया है। हिमालय की पुत्री पार्वती से
विवाह करके भगवान शिव कैलाश चले गए। लेकिन पुराण की कथा कहती है कि विवाह के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ भगवान ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मलोक गए। महीना फागुन का था। धरती पर पूरा ब्रजमंडल रंगों की कुमारी में सराबोर था। इसीलिए भगवान ब्रह्मा और शिव का मिलन भी बिना रंगों के भला कैसे हो सकता था। भगवान ब्रह्मा माता पार्वती को अपनी भाभी मानते हैं, इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में ही माता पार्वती और भगवान शिव के साथ जमकर रंगों की होली खेली। कहते हैं कि होली के रंगों का आनंद लेने के बाद भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म भोज का आयोजन किया। भगवान ब्रह्मा ने सभी आगंतुकों का मुंह मीठा करवाने के लिए गुजिया भी बनवाई। वही गुजिया जिसके बिना आज होली का त्योहार संभव ही नहीं है। मान्यता है कि तभी से होली के शुभ पर्व पर गुजिया बनाने की शुरुआत हो गई, जिसे होली की मिठाई और होली की शुभता के रूप में पूजा जाने का वरदान मिला। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और सृष्टि के संहारक भगवान शिव की ये होली युगों युगों पुरानी है। लेकिन इस त्योहार की रंगत आकाश से लेकर धरती तक आज भी बिखरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली का त्योहार जितना कृष्ण राधा और ब्रज और मथुरा का है, रंगों का ये उत्सव उतना ही काशी शिव पार्वती और माँ गंगा का भी है। होली की कुमारी में काशी भी रंगों की अंगड़ाई लेती है, ठंडाई में फागुन की मिठास चढ़ती है और फिर पूरा काशी बम बम बोले के जयकारों के साथ अबीर गुलाल के मनमोहक रंगों में रंग जाता है। ब्रज में भगवान कृष्ण और राधा की होली का धमाल चल रहा है। तो फागुन के इसी महीने में औघड़दानी भगवान शंकर भी अपनी नगरी काशी में होली का आनंद लेते हैं। अर्चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला। काशी में होली की पौराणिक परंपरा काफी अनोखी और अनूठी है, जिसके अपने एक नहीं अनेकों कारण हैं। पहला तो ये कि काशी में होली का त्योहार एक दिन नहीं बल्कि 5 दिनों का मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो जाती है जो पूर्णिमा तक चलता है। बाबा की नगरी में होली भगवान शिव माता पार्वती के साथ बारात के रूप में खेलते हैं। तीसरी रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर की होली शमशान में चिता की भस्म से खेली जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा माता गौरी का गौना कराते हैं और फिर काशीवासी होली खेलते हैं उनके साथ, और फिर बाबा अपने गढ़ों भूत पिशाच सहित दानव सहित मसान की होली खेलने आते हैं। यह सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा है जो काशी पे आज भी जीवंत रूप से दिख रही है। यहाँ जो आयोजन किया जा रहा है मसाने की होली, काशी मोक्षदानी सेवा समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, और माना जाता है कि ये काशी की होली मसान की होली जो कि मसान की होली है, यहाँ चीता के भस्म से होली खेली जाती है। और यह कार्यक्रम अलौकिक अविश्वसनीय एकदम अतुल्यनीय कार्यक्रम होता है। किसी की अद्भुत अद्वितीय होली है जो कि चिता भस्म से महामशान पे खेली जाती है। इस होली की मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ रंगभरी एकादशी के दिन माता पार्वती का गौना करा के अपने धाम काशी धाम लेकर आते हैं, उस दिन से होली प्रारंभ मानी जाती है। लेकिन जो बाबा के प्रिय गण हैं भूत प्रेत प्रसाद निशाचर दृश्यदृश शक्तियाँ यक्ष गंधर्व किन्नर, वो जो होली मनुष्यों के बीच नहीं खेल सकते, तो उन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए बाबा विश्वनाथ स्वयं मणिकर्णिका तीर्थ पर मध्याह्न स्नान करने आते हैं और उसके बाद अपने उन सभी प्रेमी
भक्तों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। काशी का कण कण शंकर है। काशी के सब कुछ शिव है। इसीलिए काशी में सबसे पहले काशीवासी अपने ईष्ट भोले बाबा के साथ महाशमशान में चिता भस्म से होली खेलकर होली के त्योहार की शुरुआत करते हैं। इसके बाद ही काशी में होली की शुरुआत होती है। वाराणसी यानी काशी को पूरी दुनिया में 7 बार और 9 त्योहार की अद्भुत परंपरा वाले शहर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसी त्योहार में एक परंपरा है रंग भरी एकादशी। रंग भरी एकादशी में ही भगवान भोलेनाथ इंसानी स्वरूप में आकर माता पार्वती के साथ गवने की रस्म अदा करते हैं। इसमें भक्त भाव विभोर होकर शामिल होते हैं। रंगों के इस त्योहार को वाराणसी में रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। काशी में भोलेनाथ और माता पार्वती के गौने की रस्म को काशीवासी एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये पूरे साल की एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के अलावा महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही हर मंदिरों में भगवान के साथ होली खेलने की परंपरा है। इस परंपरा की शुरुआत 358 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत के परिवार की तरफ से शुरू की गई थी, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। रंग भरी एकादशी, इसी को मैं आपको कुछ गा करके पंक्तियां सुनाता हूँ। ओ शारद जन्म पे तिलक लगा कर ब्याह करें शिवरात्रि को शंकर शंभु निवास मुक्ति का धाम काशी के कण कण को प्रणाम। अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। मैं पिछले साल भी आई थी और पिछले साल भी मैं काफ़ी देर तक यहाँ रही, तो इस बार तो मैं सुबह से ही आके बैठी हुई थी। जब तक कि माता जी की और बाबा की विदाई नहीं हो गई है, मैं यहीं पे थी। बाबा के ही धाम से रंग भरी एकादशी के दिन से होली का उत्सव मनता है, फिर ये होली ब्रज में जाती है। और कहा भी गया है कि पुरातन समय से ही बाबा के धाम में ही होली होती है और तब पूरे देश में होली मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह होता है। इसके बाद रंग भरी एकादशी के दिन गौने की रस्म होती है। इस अद्भुत कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए सिर्फ काशी से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग वाराणसी पहुंचते हैं। इस दिन भक्त अपने कंधे पर रजत पालकी लेकर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा लेकर बनारस की गलियों से निकलते हैं, जिस पर लोग जमकर रंग और गुलाल बरसाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही, लेकिन जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।